नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 4 सारणिक पढ़ेंगे। यह हमारा तीसरा सत्र है। पिछले सत्र में हमने सारणिक के कुछ गुणधर्म और सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज इस सत्र में हम उपसारणिक और सहखंड, अवयव के सहखंडज और साथ ही इन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखें उपसारणिक और सहखंड क्या हैं। परिभाषा के अनुसार उपसारणिक क्या है? वह है सारणिक के अवयव aij का उपसारणिक एक सारणिक है जो iv पंक्ति और j वां स्तंभ जिसमें अवयव aij स्थित है उसको हटाने से प्राप्त हो रहा है। अवयव aij के उपसारणिक को हम mij से व्यक्त करते हैं। mij क्यों? क्योंकि उपसारणिक को हम अंग्रेजी में माइनर के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, इस सारणिक में जिसके अवयव 1, 3, 7, 5 हैं, इसमें हमें अवयव 5 और 3 का उपसारणिक ज्ञात करना है। गौर करेंगे, हम उपसारणिक अवयव का निकालते हैं, ठीक? जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, हमने 5 और 3 अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, गौर करेंगे इस 5 अवयव पे। ये कहाँ पर स्थित है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर, यहाँ पर स्थित है। तो इस पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे जो हमारा स्तंभ है इसके अवयवों को हटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जो हमारे सारणिक प्राप्त होगा उसका मान हमारा क्या बतलाएगा? उपसारणिक किसका? अवयव 5 का, ठीक? इसीलिए जो हमारा उपसारणिक है इसे हम M22 से लिखेंगे। M22 वो किसके बराबर है? 1 के। और ये कैसे प्राप्त हुआ? सारणिक यानी ये जो A सारणिक है इसमें से R2 यानी दूसरी पंक्ति और C2 यानी दूसरे स्तंभ इसके अवयव को हटाने पर हमें प्राप्त हुआ। और ये कितना है? 1। यानी 5 का उपसारणिक कितना? 1, ठीक? इसी प्रकार आप देख पाएंगे जो हमारा अवयव 3 है इसका उपसारणिक कितना मिलेगा हमें? वह मिल रहा है 7, ठीक? आइए एक और उदाहरण देखें। इस उदाहरण में आप देखेंगे हमारे पास सारणिक है और इस सारणिक में हमें -1 का उपसारणिक ज्ञात करना है, ठीक? अब -1 हमारा कौन से स्थान पर है? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक? इसलिए हम इसका उपसारणिक M23 प्राप्त होगा। और वो कैसे प्राप्त होगा? M23 किसके बराबर? सारणिक के बराबर। और उसके अवयव हमें कैसे मिलेंगे? दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के जो अवयव हैं इन्हें हटा देंगे तो बाकी के अवयव क्या बचे हमारे पास? 1, 2, -3 और 8, वे ही हैं। अब इस सारणिक को जब हम हल करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कितना उत्तर आया? 14। तो अवयव -1 का उपसारणिक कितना है? 14, ठीक? आपने कुछ निरीक्षण भी किया होगा, देखा होगा, जो कि यह टिप्पणी हमें बता रही है। वह क्या बता रही है? अगर हमारा n क्या है? 2 या 2 से कोई भी बड़े क्रम का सारणिक है और उसके अवयव का हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं तो वह उपसारणिक n-1 क्रम का होता है, यानी उससे 1 कम, जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। हमें -1 का क्या निकालना था? उपसारणिक। और -1 का जो उपसारणिक है वे क्या हुआ? इस वाले सारणिक से जो क्रम है, कितना क्रम है?
तीन और इससे एक कम, दो। ठीक, आइए अब आगे बढ़े। अब हम देखेंगे सहखंड की परिभाषा, जिसे हम अंग्रेजी में कोफैक्टर भी कहते हैं। यह हमें क्या बता रहा है? एक अवयव aij का सहखंड, जिसे हम इस प्रकार यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर aij से व्यक्त करते हैं। वह कैसे परिभाषित है? aij बराबर में माइनस एक की घात i जमा j mij। ठीक, जहां ये जो mij है वह क्या है? अवयव aij का उपसारणिक। ठीक, और ध्यान देंगे ये aij क्या है? जो हमारे अवयव हैं उसके अनुलग्नों का योग। ठीक, ये i क्या बतला रहा है कि कौन सी पंक्ति है, और j क्या बतला रहा है कि कौन सा स्तंभ है। ठीक, आइए अब एक उदाहरण से इसे समझें। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, हमें सारणिक ये जो दिया हुआ है इसके अवयवों के उपसारणिक और सहखंड को ज्ञात करना है। ठीक, यानी सारे अवयवों के जो उपसारणिक हैं वे भी बताने हैं और साथ ही उनके सहखंड भी बताने हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें सारणिक का जो मान है वह पहले से दिया हुआ है, वह है माइनस 28। ठीक, यानी ऋण 28। अब देखेंगे सबसे पहले हम क्या निकालें, पहले अवयव का उपसारणिक, जिसे हम M11 से लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को जो अवयव है वह हटाने पर हमें यह सारणिक प्राप्त होगा। देख सकते हैं 0, 4, 5 और -7। इसको हल करने पर आप क्या पा रहे हैं? ऋण 20, यानी माइनस का 20। ठीक, तो यानी 2 का जो अवयव 2 है उसका उपसारणिक क्या हुआ? -20। अब इसका सहखंड, सहखंड को हमने निरूपित कर दिया a 1 1। ठीक, हमारा अभी मैंने आपको बताया कैसे परिभाषित है, माइनस एक की घात i जमा j। ठीक, और साथ में हमें अवयव का जो उपसारणिक है वह गुणा करना है। ठीक, तो वही हम कर रहे हैं, माइनस एक की घात i जमा j। i क्या है यहाँ? पहली पंक्ति, तो एक लिखेंगे। j क्या है? वह भी पहला स्तंभ, तो हमने एक लिखा। इसका योगफल करेंगे और साथ में गुणा किया हमने क्या? उपसारणिक, वह है -20। अब देखेंगे क्या मिला हमें, माइनस एक की घात एक जमा एक क्या मिला? दो। और माइनस एक की घात दो, दो क्या है हमारा? सम संख्या, तो हमें क्या मिलेगा? एक, यानी एक गुणा में माइनस का 20। तो यानी हमें उत्तर क्या मिला? -20। ठीक, यानी दो अवयव का सहखंड कितना हुआ? -20। इसी प्रकार हम दूसरे अवयव यानी -3 का उपसारणिक और सहखंड निकाल लेते हैं। कैसे मिला उपसारणिक? -3 का स्थान क्या है? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इससे हमें यह सारणिक मिला। और इस सारणिक को हल करने पर आपको क्या मिला? -46। इसी प्रकार सहखंड निकालेंगे, सहखंड में क्या देखना है हमें? हमें जो हमारा उपसारणिक है उसके साथ -1 की घात क्या 1 जमा 2, इसको गुणा करना है। 1 जमा 2 कितना आया? 3, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 3 क्या है हमारा? विषम संख्या, तो -1 की घात 3 क्या मिला? -1। अब -1 को हम -46 से गुणा करेंगे तो क्या मिला? केवल 46। ठीक, इसी प्रकार
बाकी के भी आप क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक, और जो हमें दिए हुए हैं आप देख भी सकते हैं, सह खट, जो कि आप इधर देख सकते हैं। एम 13 30 मिला, ए 13 वह भी 30 मिला, एम 21 माइनस 4, ए 21 4, एम 22 माइनस 19, ए 22 माइनस 19, ठीक, एम 23 13 और ए 23 हमें माइनस 13 मिला। इसी प्रकार हमें बाकी सब जो उपसारणिक हैं और जो हमारे क्या हैं सेकंड, वह भी मिल गए। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को गौर से फिर से देखिए। देखिए इधर गौर से देखेंगे, इस आखिरी बिंदु पर हमने क्या किया है, हमने कोई भी एक पंक्ति ले ली है और उसके अवयवों को उसी के जो संगत सहखंड है उनसे गुणा किया और बाद में उनका योगफल निकाला। तो आप देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सारणिक का मान, वह क्या है -28। हमें यह पहले से ही दिया हुआ है कि जो सारणिक का मान है वह है -28। और वही आप देखेंगे हमने पहली पंक्ति के अवयव लिए ए एक एक और उसका जो संगत सहखंड है उससे उसे गुणा किया, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर ए यानी कैपिटल ए 11, ठीक, ऐसे ही फिर उसको जमा किया ए 12 कैपिटल ए 12 प्लस ए 13 और उसी के संगत जो उसका सहखंड है यानी ए 13 से, ठीक, जो कि आप इधर देख सकते हैं। और हल करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, सारणिक का मान -28। तो यही हमें एक खास बिंदु की ओर इशारा कर रहा है जो कि आप इस टिप्पणी में पहला बिंदु देख सकते हैं। वह पहला बिंदु क्या है, सारणिक जो हमें मिला है वह किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग है, वह हमने देख भी लिया। तो प्रश्न उठता है, अगर हम अवयवों के जो संगत सहखंड हैं उनसे गुणा ना करें तो क्या होगा, ठीक। तो वही हमारा जो दूसरा बिंदु है वह बता रहा है कि अगर हम उसके संगत जो सहखंड हैं उनसे गुणा ना करें तो क्या होगा। यदि एक पंक्ति या फिर स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या फिर स्तंभ के सहखंड से हम गुणा किया जाए तो उनका जो योग होता है वह सदैव ही शून्य होता है, ठीक, क्या होता है, शून्य होता है। देख ले, आइए उदाहरण में देखें। यह उदाहरण हमने अभी हल किया, इसके सारे हमने क्या निकाले, उपसारणिक अवयवों के और सहखंड भी देखे। अब देखिए क्या किया हमने, हमने पहली पंक्ति ली थी, उसके अवयवों के साथ हमने क्या किया था, उसके अवयवों के साथ जो संगत सहखंड थे उनको गुणा किया और उनका योगफल निकाला। तो देखा वह क्या आ रहा है, सारणिक का मान बता रहा है। अब देखेंगे अगर हम अन्य पंक्ति के सहखंड उसके साथ गुणा करें तो, जैसे एक ए 11 यानी 2 के साथ हमने क्या किया, तीसरी पंक्ति के जो संगत क्या होता है सहखंड उससे गुणा कर दिया, ठीक, यानी ए 31 से गुणा किया। तो 2 गुणा में -12 जमा ऐसे ही -3 गुणा में 2 जमा 5 गुणा में 18, और आप पाएंगे इसे हल करने पर क्या मिल रहा है हमें, शून्य, ठीक। ये हमारे कुछ खास बिंदु हैं। आइए अब आगे बढ़े, अब हम देखेंगे अवयव के सहखंडज, जिसे हम अंग्रेजी में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं, अब वे क्या बताता है, आइए देखें। परिभाषा के अनुसार एक वर्ग अवयव
ए का सहखंडज हमें अव्यू देता है और वह अव्यू के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां यह कैपिटल ए आई जे अव्यव ए आई जे का सहखंड है। ठीक, अव्यू ए के जो सहखंडज होता है उसे हम ए डी जे ए से भी व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे अंग्रेजी में एडजॉइंट ऑफ ए के नाम से भी जानते हैं। तो परिभाषा हमें क्या बता रही है? जो हमारा अव्यू ए है उसका जो सहखंडज होता है वह भी हमें एक क्या मिलता है? अव्यू ही मिलता है। और वह अव्यू किसका होता है? अगर हम अव्यवों का सहखंड निकालें और उन सहखंडों का हम क्या बना लें? एक अव्यू, और उस अव्यू को क्या कर दें? परिवर्त कर दें। तो जो परिवर्त करके हमारे पास अव्यू मिलेगा वह अव्यू ए अव्यू का सहखंडज होता है। ठीक, उदाहरण देखेंगे। अव्यू ए हमारे पास दिया हुआ है, एक ध्यान रखेंगे जो सहखंडज है वह अव्यू का निकलता है, सारणिक का नहीं। ठीक, तो अव्यू ए हमें यहाँ दिया हुआ है, इसके अव्यव हैं 6, 3, 1 और -4। इसका हमें सहखंडज ज्ञात करना है। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सारे अव्यवों का क्या ज्ञात करना है? सहखंड। ठीक, वह आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अभी आपने सीखा। सबसे पहले अव्यव 6 का सहखंड क्या होगा? -4। देख सकते हैं कौन से स्थान पर? पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, तो यानी -1 की घात 1+1 = 2। तो यानी वह क्या आ गया? जमा का साइन, यानी जमा का चिन्ह, और हमें क्या प्राप्त हुआ? -4। तो इसीलिए a=-4। अव्यव 6 का जो सहखंड है वह है -4। ठीक, ऐसे ही 3 का जो सहखंड है वह है -1। अव्यव 1 का सहखंड है -3 और अव्यव -4 का सहखंड है 6। ठीक, अब परिभाषा के अनुसार हम क्या करें? पहले इन सहखंडों का क्या बना लें? अव्यू बना लें। ठीक, अगर हम अव्यू बनाते हैं देखेंगे क्या मिलेगा अगर हम उसे उपयुक्त स्थान पर रखें। यही मिलेगा। ठीक, यही बतला रहा है। अब जो हमारा सहखंडज है वह क्या है? इस अव्यू का परिवर्त। ठीक, वही हमने किया है। परिवर्त करने पर हमें यही अव्यू मिलेगा a=1, जो यानी जो पहली पंक्ति है वह पहला स्तंभ बन जाएगी। तो 1=1 और यहाँ बन गया a=2। और जो हमारी दूसरी पंक्ति है वह दूसरा स्तंभ बन जाएगी, यानी a=2, 1 और a=2, 2 यहाँ मिला। ठीक, अब हमने निकाल ही लिए हैं सारे सहखंड, मान भर देंगे और यह हमें क्या मिला? सहखंडज। किस अव्यू का? अव्यू ए का। ठीक, गौर से देखेंगे इस अव्यू ए को और इसके सहखंडज को। कुछ गौर कर पाए आप? गौर करेंगे इसके विकर्ण के जो अव्यव हैं और यहाँ भी जो इसके सहखंडज के जो विकर्ण के अव्यव हैं। बिल्कुल, आप देख पाएंगे कि ये जो हैं वे परस्पर बदले हुए हैं। यानी ए के जो क्या थे? विकर्ण के अव्यव, उनको अगर मैं परस्पर बदल दूं तो हमें क्या मिल जाएंगे? सहखंडज के विकर्ण के अव्यव। ठीक, इसी प्रकार विकर्ण के अव्यव के अतिरिक्त जो अव्यव हैं वो यहाँ आप देखेंगे सहखंड के जो खंडज के जो अव्यव हैं वे क्या मिले? यहाँ क्या है? -3। तो यहाँ आपको मिला -3, यानी जो चिन्ह है वे बदल दिए। तो यानी इसके अतिरिक्त जो अव्यव होंगे उनके हम चिन्ह बदल देंगे, जो हमारा इस टिप्पणी में बता रहा है। वह क्या कह रहा है?
2/2 कोटि के वर्ग आव्यु ए का जो सहखंडज होता है वह ये होता है। और वह कैसे प्राप्त हुआ, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा। हम क्या करेंगे, जो हमारा आव्यु ए है उसके जो विकर्ण के अवयव हैं उनको क्या करना है, परस्पर बदलना है। यानी जिस स्थान पे ए 1-1 था वह अब उस स्थान पे ए 2-2 आ गया, ठीक। और जहाँ ए 2-2 था वहाँ अब क्या आ गया, ए 1-1, ठीक। और इसके जो अतिरिक्त यानी विकर्ण अवयव के जो अतिरिक्त अवयव हैं उनका क्या करना है, उन पे सिर्फ उनका चिन्ह बदल देना है। यानी अगर जमा का चिन्ह है तो हम घटा का चिन्ह लगा देंगे, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं हमारा ए 1-2 जो अवयव है, अगर यहाँ क्या है जमा का साइन तो हम उसका चिन्ह बदल देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस ए 1-2, ठीक। इसी प्रकार ए 2-1 की जगह मिल गया माइनस ए 2-1, और यही हमने उदाहरण में भी देखा था, ठीक है। आइए अब आगे बढ़े। आगे अब हम देखेंगे अव्युत्क्रमणीय एवं व्युत्क्रमणीय अवयव, ये कब कब कहलाते हैं, यानी एक अवयव हमारा कब अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय कहलाता है। परिभाषा के अनुसार एक वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय, जिसे हम अंग्रेजी में सिंगुलर कहते हैं, वह कहलाता है जब उस अवयव का जो सारणिक है वह किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो। जैसे कि आप इस अवयव में देख सकते हैं आपके पास एक अवयव है डी, इसका हम क्या निकालें, सारणिक निकालते हैं। इसका सारणिक निकालेंगे और आप देखेंगे इसका सारणिक कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं अवयव डी के बारे में, ये जो अवयव डी है वह क्या है, वह अव्युत्क्रमणीय है, ठीक। और अगली परिभाषा में देखेंगे एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय, जिसे हम अंग्रेजी में नॉन सिंगुलर कहते हैं, वह कब कहलाता है, जब अवयव का जो सारणिक है वह क्या हो, शून्य के बराबर ना हो, यानी वह शून्येतर हो, ठीक। जैसे कि हम इसी उदाहरण में देख सकते हैं, क्या ये जो हमारा अवयव, इसे ले लेते हैं D1, क्या ये हमारा अवयव D1 व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, देख लेते हैं। इसका हमें सारणिक निकालना है, सारणिक निकालने पर आप पाएंगे क्या मिला हमें, 4-6 यानी -2। तो ये क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, यानी जो ये अवयव D1 है वह व्युत्क्रमणीय है, ठीक। अब इस पर ही आधारित हमारे कुछ प्रमेय हैं, वे क्या हैं देखेंगे। सबसे पहले यदि कोई n कोटि का अवयव A है तो हम A को उसके सहखंडज से गुणा करें, ठीक, और A के सहखंडज को हम फिर A से गुणा करें, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे अवयव I के। ये I क्या है, ये I n कोटि का तत्समक अवयव है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। दूसरी प्रमेय हमें क्या बता रही है, अवयव के गुणनफल का सारणिक उसके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अर्थात अगर हमारे पास क्या है, दो अवयव हैं और हमने उन दोनों को क्या किया है, गुणा किया है, और उसका हम क्या निकाल रहे हैं, सारणिक, तो वह किसके बराबर होगा, अगर हम दोनों अवयवों का पहले हम सारणिक निकाल लें और फिर उन्हें हम क्या कर दें, गुणा कर दें, ठीक। गौर करेंगे ए अवयव और बी अवयव दोनों समान कोटि के अवयव हैं,
तीसरा प्रमेय, वह क्या बता रहा है? यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हों, ठीक, तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। अभी हमने पढ़ा व्युत्क्रमणीय यानी जिसका जो सारणिक है वे क्या हो, शून्य के बराबर ना हो, तो वही हमें बतला रहा है। साफ है, हम प्रमेय दो से भी इसका निष्कर्ष देख सकते हैं, आ रहा है। कैसे? ए और बी क्या हैं, दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, यानी सारणिक ए भी शून्य के बराबर नहीं है और सारणिक बी भी हमारा शून्य के बराबर नहीं है, ठीक। अब ए बी भी हमारा क्या बता रहा है, क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। इसी प्रकार आप बी ए बी देख लेंगे, हम सिर्फ ए बी को देखेंगे। ए बी यानी जो इसका सारणिक है वह क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी प्रमेय दो से ही हम क्या लिख सकते हैं, इसे सारणिक ए गुणा में सारणिक बी। ए हमारा सारणिक शून्य नहीं है, बी हमारा सारणिक भी शून्य नहीं है, ये दोनों संख्याएं हैं, तो यानी दोनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो हमें शून्य नहीं मिलेगा और ये क्या है, शून्य के इक्वल यानी उसके बराबर नहीं होगा। तो यानी जो हमारा ए बी जो अवयव है वह क्या होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक। इसी प्रकार आप बी ए बी देख पाएंगे। अब आखिरी बिंदु पे ध्यान देंगे जो कि हमारी टिप्पणी है। यदि ए एन कोटि का कोई भी एक वर्ग अवयव है तो इसके जो सहखंडज का जो सारणिक होता है वह किसके बराबर होता है, अगर हम ए के सारणिक की घात एन माइनस एक के बराबर होता है, ठीक। आइए अब दो प्रश्न लें और इस सत्र को विराम देंगे। पहले प्रश्न में क्या दिया है, यदि ए तथा बी दो अवयव हैं तीन कोटि के और जहां सारणिक ए बराबर 5 और सारणिक बी बराबर 3 है, तो आप सारणिक 3ab का मान ज्ञात कीजिए, वह कितना होगा, ठीक। तो आइए देखें कैसे मिलेगा ये हमें। सबसे पहले ध्यान देंगे, आपको याद होगा सारणिक के ए किसके बराबर होता है, k की घात n गुणा में सारणिक a। इस गुणधर्म को आप याद करेंगे, जहां n क्या है, अवयव a की कोटि, ठीक। a b, a हमारा तीन कोटि का, b हमारा तीन कोटि का, तो यानी जो अवयव a b है वह भी कितनी कोटि का होगा, 3। तो ये किसके बराबर होगा, 3 की घात 3 और गुणा में सारणिक ए बी, ठीक। अभी हमने पढ़ा प्रमेय के अनुसार ये किसके बराबर होगा, 3 की घात 3 गुणा में सारणिक ए गुणा में सारणिक बी। अब हमें सबका मान दिया ही हुआ है, उसे हम भर दें तो 3 की घात 3 मिले 27 गुणा में सारणिक ए कितना है, 5 और सारणिक बी है हमारा 3। इसे आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे क्या मान मिला हमें, 405, ठीक। आइए अब दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या बता रहा है, यदि ए तीन कोटि के अवयव है जहां सारणिक ए कितने बराबर है, 5 के, तो ए का सहखंडज का हमें सारणिक ज्ञात करना है, ठीक। ध्यान करेंगे, अभी जो हमने टिप्पणी पढ़ी, हमने टिप्पणी क्या पढ़ी थी, हम किसी भी अवयव का सहखंडज का सारणिक ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें अवयव की सारणिक ज्ञात हो और उसकी कोटि ज्ञात हो। वह किसके बराबर होगा, वह होगा सारणिक ए की घात n माइनस 1 यानी n घटा 1 यानी जो भी 1 की कोटि है उससे 1 कम, ठीक। तो इसी में हम अगर भरें तो हमें क्या मिल जाएगा, अवयव a का
सखंडज का सारणिक। हमारे पास ए का सारणिक कितना? 5। आव्यू ए की कोटि कितनी है? 3। यानी 3 में से 1 घटाए मिले 2, तो ये कितने बराबर हुआ? 25। ठीक, यानी आव्यूह ए का जो सहखंडज है उसकी सारणिक कितने बराबर है? 25 के। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार आज हमने इस सत्र में उपसारणिक, सहखंड, आव्यूह के सहखंडज, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और उन पर आधारित कुछ प्रश्न सीखे। आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।